दोस्तों, अगर आपके मोबाइल का भी कलर भद्दा हो गया है या आपका मोबाइल जो है सही नहीं दिख रहा है, डिस्प्ले कलर एकदम ख़राब हो गया है, ब्लैक एंड वाइट हो गया है, और आप सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा डिस्प्ले का कलर नहीं, मेरा मोबाइल की स्क्रीन ख़राब हो गई, तो आप ये गलत सोच रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्प्ले का कलर ख़राब हो जाने की वजह से स्क्रीन ख़राब लगती है। लेकिन आपको मैं चुटकियों में आसान तरीका बताऊँगा जिससे आप सभी किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल का डिस्प्ले का कलर आसानी से सही कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो पूरी जानकारी के लिए आप सभी को मोबाइल की स्क्रीन को ले चलता हूँ। अगर आपके मोबाइल में भी कुछ इस तरीके से कलर इन्वर्सन की प्रॉब्लम हो गई है, पूरा कलर जो भद्दा आ रहा है, अभी यहाँ पे मैं यूट्यूब आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए किस तरीके से भद्दा आ रहा है। इसका फुल सोल्यूशन बताऊँगा, कैसे आप सभी को वीडियो में सही करना है मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, आप सभी को पूरा देखना है। सबसे पहले चल रहे वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आता है उसे ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप सभी को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना है। कमेंट में क्या कमेंट करना है, यहाँ पे कमेंट में कर देना है अपने जो भी जिले का नाम है आप वो अपने कमेंट कर देना है। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ, ये देखिए मैं उन्नाव जिले से हूँ तो मैं उन्नाव जिले से कमेंट कर लेता हूँ। तो ये मैंने कमेंट कर लिया है। कमेंट करने के बाद आप सभी को यहाँ बैक आ जाना है और आपको अपने मोबाइल में सेटिंग्स ओपन करनी है। ये देखिए सेटिंग्स मैं ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग्स ओपन कर मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स मिल जाएगी, आप सभी को वहाँ क्लिक करना है। इसके बाद आप सभी को एसेसिबिलिटी पर क्लिक करना है। एसेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। आप सभी का अगर अदर कंपनी का मोबाइल ओप्पो वीवो या रियलमी किसी कंपनी अदर मोबाइल है तो आपको यहाँ पे कलर इन्वर्सन का चेक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ विजन पे। विजन पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे कलर इन्वर्सन बाय डिफॉल्ट जो है इनेबल हो गया है, गलती से आपको इसे बंद कर देना है। जैसे आप बंद करेंगे यहाँ पे बैक हो जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि मोबाइल का स्क्रीन जो है पूरी तरीके से सही हो गया, सही दिखने लगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ मोबाइल कलर इन्वर्सन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप सभी को संपूर्ण जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। साथ में नोटिफिकेशन बेल आता है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।